हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक है वो है दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्तसारणी, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये लेक्चर नंबर 3 है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्तसारणी की विशेषताएँ और इनके दोष क्या थे, और इनको मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे कैसे दीर्घाकार आवर्त सारणी को बांटा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी किसने दिया था, ठीक है। इनमें 3 वैज्ञानिक थे, पहला था राग बरी और वर्नर, ठीक है। ये तीनों वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, पहला राग, दूसरा बरी और वर्नर, ठीक है। इन्होंने दीर्घाकार आवर्त सारणी की खोज की थी। तीनों ने क्या बोला था, जो स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, किसने दिया था, राग बरी और वर्नर, ठीक है। आज के मतलब इसके पहले क्या चल रहा था, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा, जैसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे कार्बन 6 का 1s2 2s2 2p2, ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तीनों ने ये बोल दिया कि इनके जो भौतिक, जैसे कार्बन हो गया, तो इसका भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसकी विशेषताएँ पढ़ते हैं, ठीक है। दीर्घकार आवर्त सारणी की विशेषताएँ क्या थी, ओके, नोट डाउन करो। पहला विशेषता इनका ये था कि इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज का लंबन, ठीक है, पहले भी 7 थे मोजले में, आधुनिक आवर्त सारणी में भी 7 क्षैतिज का लंबन, ठीक है। तो पहला विशेषता में ये लिखेंगे कि इस आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज का लंबन थे, 7, ठीक है। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम थे, ठीक, जिन्हें आवर्त कहा गया। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो खुद मैं बोल दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम थे जिन्हें आवर्त कहा गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखना है, प्रत्येक आवर्त का, 7 आवर्त है तो प्रत्येक जो आवर्त है वो एक क्षारीय धातु से शुरू होता है, ठीक है। किस धातु से, क्षारीय धातु। पहला जो आवर्त होगा क्षारीय धातु से शुरू होगा और अंत कहाँ तक होता है, अक्रिय गैस तक, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व क्षारीय धातु और अंतिम तत्व तो क्या है, अक्रिय गैस, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि प्रथम जो आवर्त, पहला जो आवर्त है प्रथम, उसको अति लघु आवर्त कहते हैं, ठीक है। प्रथम आवर्त को क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त, जिसमें 2 तत्व हैं, ठीक है। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, 2, और दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, ठीक है, जिसमें कितने तत्व हैं, 8, 8, ठीक है। और चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं, ठीक, जिनमें 18, 18 तत्व हैं, ठीक है। चौथे और पांचवें आवर्त को क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त, जिनमें 18, 18 तत्व हैं। छठवां जो आवर्त है इनमें 32 तत्व हैं, ठीक है।
छठवां अर्थ में कितने तत्व हैं? 32, ठीक। जिनमें से 14 तत्व जो हैं वो लेंथेनाइट परिवार के हैं। 14 तत्व किस श्रेणी के कहते हैं? लेंथेनाइट श्रेणी के, ठीक है। और सातवां जो आवर्त है उसको भी अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें सातवें आवर्त में भी 32 तत्व है, क्योंकि मोजले में कितने तत्व थे? 19। 19 में से 14 तत्व तो लेंथेनाइट के थे, एक्टिनाइट के, ठीक है। लेकिन जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें टोटल 32 तत्व हैं, जिनमें से 14 तत्व किसके हैं? एक्टिनाइट के। चौवा आवर्त में किसका था? लेंथेनाइट, लेंथेनाइट। और सातवें आवर्त में जो 32 तत्व थे उसमें से 14 तत्व किसके थे? एक्टिनाइड। ठीक, ये था आपका आवर्त की विशेषता। अब हम लोग देखेंगे वर्ग की विशेषता, ठीक। ये नोट डाउन कर लो। देखो वर्ग की विशेषता में होता है वर्ग, देखो दीर्घकाल आवर्त सारणी में 18 वर्ग थे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 9, जिनमें से 8वें और 9वें वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गों को उपवर्ग में बांटा गया था। इसमें उपवर्ग में नहीं बांटा गया, डायरेक्ट कितने वर्ग हैं? 18, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? देखो इस आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कलम है? 18, जिन्हें वर्ग या समूह कहा गया, ठीक है। पहले वर्ग को, पहला जो वर्ग है, पहला वर्ग उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, ठीक है। पहला जो वर्ग है वो क्या है? क्षारीय धातु। ठीक है, दूसरा जो वर्ग है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। जो 13 से लेकर 18 तक वर्ग है, 13 से लेकर 18 तक, उसको बोलते हैं सामान्य तत्व, सामान्य तत्व, ठीक है। अब 3 से लेकर 12 तक के वर्ग को बोलते हैं डी ब्लॉक, संक्रमण तत्व, संक्रमण, ठीक है। स्क्रीन पे पीरियडिक टेबल दिख रहा होगा, तो इसमें 3 से लेके जो 12 तक के जो तत्व हैं वो क्या है? संक्रमण तत्व, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ग। देखिए अब दीर्घकार आवर्त सारणी की दोष क्या थी वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। दो ही दोष है, दो तीन दोष है, ठीक है, वो हम लोग नोट डाउन करना, ठीक है। पहला जो दोष था दीर्घाकार आवर्त सारणी का, वही है, मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया, ठीक है। ये दोष जो है शुरू से ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक, ठीक है। तो जब परमाणु क्रमांक एक होता है तो इसको सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में यही आता है, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो होता है वो अधातु होता है, ठीक है। और जो पहले वर्ग में जो तत्व है वो क्या है? धातु, ठीक है। तो इसका अभी भी एक्सेप्शन है कि ये फर्स्ट ग्रुप में रहेगा या 17 ग्रुप में, 17वें तत्व, ठीक है। तो पहला जो दोष है वो है हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया, निश्चित नहीं होना, ठीक है। और दूसरा है भाई लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में जगह नहीं मिला, ठीक है। लेंथेनाइट एल और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को, एक लेंथेनाइट जिनको नहीं मालूम है, ये जो होता है तीसरे वर्ग से आते हैं, ठीक है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट किस किस वर्ग से आते हैं? तीसरे, ठीक है, दोनों तीसरे वर्ग से आते हैं। जो लेंथेनाइट है इसका आवर्त 6 होता है, छठवा आवर्त, ठीक है। आपको पीरियडिक टेबल में दिख रहा होगा जो छठवा आवर्त है वो लेंथेनाइट का है, ठीक है। और जो सातवा आवर्त है वो एक्टिनाइट का है, ठीक है। तो ये होता है आपका 58 से लेकर 71 तक, ये होता है आपका 90 से लेकर 102 तक, ठीक है।
यही दो दोष हैं, लैंथनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को और सारणी में जगह नहीं दिया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कैसे बांटा गया। ठीक है, अब तो दीर्घाकार आवर्त सारणी आ गया, तब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कैसे बांटा गया। ठीक है, तो चार प्रकार से बांटा गया है, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एक से दूसरे वर्ग तक, ठीक है, वो एस ब्लॉक। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ग के तत्व को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, आपको साइड में स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहले और दूसरे वर्ग के तत्व। ठीक है, तो पहले पहले वर्ग में क्या होता है था, पहला तो हाइड्रोजन आता है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, या देखिए पहले और दूसरे वर्ग के तत्व को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। क्यों बोलते हैं, देखिए कोई भी है जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका 19, ठीक है, इसका 3। ठीक है, किसी का भी जैसे हाइड्रोजन का होता है एक, तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे लिखते हैं, 1s1। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में जा रहा है, 1s1 में। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, ये भी तो एस में जा रहा है। ठीक है, इसी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है, एस में, इसीलिए इसको एस ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, किस में जा रहा है, एस ब्लॉक में। ठीक है, अब देखो जो सोडियम था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। जो जो मैग्नीशियम था इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो। ठीक है, तो एस ब्लॉक का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एस ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है ns1 से लेकर 2 तक। ठीक है, एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं, दो, फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और दूसरे वर्ग में ये आते हैं। ठीक है, तो और भी तत्व आते हैं। ठीक है, बस थोड़ा समझाने के लिए, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 1s1, सोडियम का 3s1 लास्ट में, और मैग्नीशियम का 3s2। ठीक है, तो जो उपकोष किस में जा रहा है, एस में। ठीक है, एक से लेके दो तक, किसी का भी लिखेंगे, कैल्शियम का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3s2, 3p6, 4s2, ये भी एस में जा रहा है। ठीक है, तो कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, दूसरा क्या है, पी ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक। ठीक है, देखो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो 13 से लेके 18 तक के तत्व। ठीक है, 13 से लेके 18 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है np1 से लेके 6 तक। ठीक है, जैसे 2p1, ठीक, बाह्य कोष में कितने, किस में गया, पी उपकोष में। ठीक है, ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p4, पी में गया। ठीक है, तो ये भी किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। नियॉन का लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6। ठीक, तो ये भी किस ब्लॉक में जा रहा है, पी ब्लॉक में। ठीक है, पी उपकोष में जा रहा है तो ये भी पी ब्लॉक का तत्व हो गया। आर्गन का कैसे लिखेंगे, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, np1 से लेके 6 तक। ठीक है, आपने देखा इसमें एक एक तत्व है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, 6 है। ठीक है, मतलब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, np1 से लेके 6 तक। ठीक, अब देखो इसमें कुछ इंपोर्टेंट है, जो पी ब्लॉक का तत्व होते हैं उनको कहते हैं सामान्य तत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, सामान्य तत्व। ये नोट्स में डाल लो कि पी ब्लॉक के तत्व क्या बोलते हैं, सामान्य तत्व। ठीक है, अब देख ले रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व, सॉरी 8। 3 से 12 तक के तत्व। ठीक है, तीसरे वर्ग से लेकर वर्ग, तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग,
ठीक है, तीसरे वर्ग से बराबर वर्ग के तत्व को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है एन एस एक से लेकर दो तक और एन माइनस वन डी एक से लेकर दस तक। ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एन एस एक से लेकर दो तक, एन माइनस वन डी से लेकर डी एक से लेकर दस तक। ठीक, एग्जांपल करते हैं स्कैंडियम एस सी 21 होता है। ठीक है, और वेनेडियम कर लेते हैं 23 नंबर है। ठीक है, 24 नंबर क्या है, क्रोमियम। ठीक है, कॉपर का कर लेते हैं, कॉपर का क्या है, 29। ठीक, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक, जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आता है वो मेरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 20 मिनट के वीडियो, उसमें अच्छे से समझ में आया। ठीक है, कम से कम 10-15 एग्जांपल भी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में जा रहा है, कौन से उपकोष में, डी में। ठीक है, इसीलिए ये डी ब्लॉक के तत्व में। ठीक है, इसका लिखेंगे तो कैसे होगा, 4s2 तक 3d3। ठीक है, 23 हो गया, यहाँ तक 20 हो रहा था तो 3d3 23 हो गया। ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम का कैसे लिखेंगे, 4s2 3d4 ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक, आपको पता है कि ये क्या है, अपवाद में आता है, क्रोमियम और कॉपर क्या आता है, अपवाद में आता है, तो इसमें क्या होता है, 4s1 3d5। ठीक है, देखो 4s1 मतलब एन एस एक से लेके दो तक, अभी एक है इसमें दो है। ठीक है, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, एन एस एक से लेके दो तक एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन मतलब 4 - 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, और डी में एक से लेके 10 तक। ठीक है, तो ये हो गया 3d5 आया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3d5 एन एस वन। अगर इसका लिखा जाए क्रोमियम का तो क्या हो जाएगा, एन 4s1 3d5। ठीक है, कॉपर का लिखा है तो कॉपर का क्या होता है, सेम 4s1 3d10। ठीक है, ये क्या हो गया, 4s1 3d10। इसीलिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्व है ना, इनमें कुछ गुण भी होते हैं, जैसे ये जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनके आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अगर विशेषता में लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्व की विशेषताएँ क्या है, तो इनके आयन रंगीन होते हैं, इन ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैसे आयरन हो गया Fe, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, और इसमें एफ ब्लॉक के जो डी ब्लॉक के तत्व वो क्या थे, संक्रमण तत्व। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो सबसे नीचे आंदा है, आवर्त सारणी के नीचे जो है वो एफ ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, इनमें दो श्रेणियां पाई जाती है, दो श्रेणी, एक 4f श्रेणी, एक 5f श्रेणी। ठीक है, दो श्रेणी है, 4f श्रेणी और 5f। 4f श्रेणी को बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, लेंथेनाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड, एक्टिनाइड। ठीक है, जो 4f श्रेणी है वो होता है 58 से लेकर 71 तक। ठीक है, ये होता है आपका 90 से लेकर 102 तक। ठीक है, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है एन एस एक से लेकर दो तक, एन माइनस वन डी 0 1 2, एन माइनस टू एफ
एक से लेके 14 तक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एफ ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, एन एस एक से लेके 2 तक, एन माइनस 1, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 0 या 1 या 2, एन माइनस 2 एफ में एक से लेके 14 तक। ठीक है, एफ ब्लॉक का जो तत्व है ना उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इंटर के सिलेबस में, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, जैसे किसी तत्व का आप लोग लिखोगे तो अलग आएगा, दूसरे तत्व का लिखेगा तो अलग आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग लिखने जाओगे, जैसे दूसरे 58 से 71 के बीच में किसी का लिखोगे तो वो सही आएगा, उसके आगे लिखोगे तो गलत आएगा, तो सोचोगे कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है, फिर आगे जाओगे तो भी गलत आएगा। ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो ये है, और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आता है वो एक्सपेरिमेंटल आता है, ठीक है, प्रयोग द्वारा। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको क्या बोलता था, संक्रमण तत्व, इनको बोला जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक, तो एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हम लोग ने आज पढ़ा है। देखो, एस ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, एन एस एक से लेके 2 तक, इसका क्या था, एन पी एक से लेके 6 तक, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, इसका था एन एस एक से लेके 2 तक, एन माइनस 1, डी एक से लेके 10 तक। ठीक, इसका क्या है, एन एस एक से लेकर 2 तक, एन माइनस 1, डी 0, 1, 2, एन माइनस 2, एफ एक से लेकर 14 तक। ठीक, ये था आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक बेस। ठीक है, अब हम लोग मैजिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैजिक नंबर क्या होता है, तो ये जो मैजिक नंबर हैं वो बेसिकली हम लोग किसी तत्व के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक, तुम जो मैजिक नंबर हैं, मैजिक नंबर, ठीक है, ये लागू होगा पहले वर्ग और 18वें वर्ग। ठीक, पहले वर्ग में लागू होगा और 18वें वर्ग में। ठीक है, क्या है मैजिक नंबर, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सबसे पहले तत्व क्या आता है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में जब 2 जोड़ा जाता है तो क्या आता है, लिथियम। ठीक है, लिथियम में जब 8 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, सोडियम। ठीक, वर्ग में सोडियम में सोडियम आएगा। ठीक है, और फिर से 8 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, पोटेशियम। ठीक है, उसमें 18 जोड़ा गया जाएगा तो रूबिडियम। ठीक है, ऐसे ये होता है मैजिक नंबर, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर।